जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार की भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में पहले वनडे मुकाबले के दौरान भारतीय टीम के गेंदबाजों ने करवाई घातक गेंदबाजी, जीत लिया दिल। बीच मैदान पर ही साउथ अफ्रीकाई टीम के मात्र इतने ओवर में ही चटका डाले के बाद एक विकेट, देखने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान। तो इसमें दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार आज भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कैसे जबरदस्त गेंदबाजी करवाते हुए हर किसी का दिल जीत लिया, उसी के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आज जब मैदान पर गेंदबाजी करवा रहे थे भुवनेश्वर कुमार, तो उस दौरान क्विंटन डिकॉक ने लगाया एक ऐसा शॉट और फिर हुआ मैदान पर कुछ ऐसा कि देखकर वीडियो आप भी चौंक जाओगे। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में भी जानेंगे और भी जो मैच से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है आज के इस वीडियो में उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी इन खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्ल के बोलेंड पार्क में खेला जा रहा है, जहां पर दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला साउथ अफ्रीकाई टीम का शुरुआत में तो काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता रहा भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका की पूरी टीम बेबस नजर आने लगी। दरअसल दोस्तों, आते से ही तो सबसे पहले जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीकाई टीम को एक बड़ा झटका दिया, जिसके चलते साउथ अफ्रीका की टीम ने वहां से संभलने की कोशिश तो करी, लेकिन आगे फिर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करवाकर साउथ अफ्रीका की टीम को बैकफुट पर ढकेलने का काम किया। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए आज मैदान पर वेंकटेश अय्यर ने डेब्यू किया और वहीं मार्को जेनसन अफ्रीका के लिए डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने। तो वहीं अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से आज केएल राहुल और शिखर धवन ओपनिंग करने के लिए उतरेंगे और वहीं केएल राहुल ने कप्तानी की। और वहीं दोस्तों, इस दौरान टीम में भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और शिखर धवन की वापसी हुई और इसी प्लेइंग 11 के साथ आज मैदान पर जब भारतीय टीम उतरी तो साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से भारतीय टीम के सामने बल्लेबाजी करने के लिए उतरे क्विंटन डिकॉक और जैनेमन मलान, जहां पर ये दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत ही कुछ ओवरों में तो घातक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मैच बीता और वहीं दोस्तों इसी दौरान जसप्रीत बुमराह ने इनकी बल्लेबाजी पर विराम लगाया। दरअसल दोस्तों, ये दोनों ही बल्लेबाज काफी ज्यादा घातक साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से साबित हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने जैनेमन मलान को 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही चलता किया, जिसके चलते यहाँ पर पहला बड़ा झटका साउथ अफ्रीका की टीम को मलान के रूप में लगा, जहाँ पर मलान 10 गेंदों में मात्र 6 रन बनाकर ही आउट हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने एक चौका लगाया था। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने उनको ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाया और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम का पहला बड़ा विकेट बस मात्र 19 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुका था, जहां पर 19 रन में साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल चुकी थी, क्योंकि यहां पर 50 ओवर अभी भी खेलने बाकी थे। लेकिन यहां पर पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम को संभाला क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बमुमा ने, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, यहां पर फिर क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बमुमा भी कुछ ज्यादा खास अच्छा प्रदर्शन करा नहीं, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों को आज भारतीय टीम के गेंदबाजों ने खूब तंग किया और रन बनाने का मौका ही मैदान पर दिया नहीं। बाकी आप सभी यहां पर देख भी सकते हो कि अभी साउथ अफ्रीका की टीम ने कितने रन बनाए हैं और साथ में भारतीय टीम के किस गेंदबाज ने कितने विकेट चटका दिए हैं। बाकी आप यहां पर देखिएगा और अब आपकी क्या राय है भारतीय टीम के बारे में और आप भारतीय टीम के गेंदबाजों की गेंदबाजी को देखने के बाद उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, काफी बल्ला चलता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि खेली तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने 44 रन बनाए और वेंकटेश अय्यर ने 39 रनों की पारी खेली, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरी टीम की तो दूसरी टीम की तरफ से शिखर धवन ने आज के इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 42 रनों की पारी खेली, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 8। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज जबरदस्त प्रदर्शन कर हर किसी का दिल जीत लिया और ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम की बल्लेबाजी को देखकर अब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताई कि भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज यानी कि 19 जनवरी से हो चुका है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहला वनडे मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ
खिलाफ खेला जाएगा, जहां पर भारतीय टीम एक तरफ मजबूत स्थिति में नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका टीम ने भी खुली चुनौती भारतीय टीम को अब तक दी है। और वहीं हम आपको बता दें कि 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, और ऐसे में अब वनडे सीरीज किसी भी हाल में भारतीय टीम अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती और इस मुकाबले में आज भारतीय टीम जीत के इरादे से उतरी। तो वहीं दोस्तों आइए मैच के बारे में जानने से पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार आज जो वनडे मुकाबला भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में खेला जा रहा है स्कोरिंग मैच देखने के लिए मिलता है। और ऐसे में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक होगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए ही उतरेगी। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कुल मिलाकर अगर वनडे मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों ही टीमों के बीच में 84 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 84 मुकाबलों में से 35 मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत हासिल हुई है और 46 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका की टीम ने जीत हासिल की है, और वहीं 3 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं आ सका है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर भारतीय टीम के आंकड़ों को देखकर तो यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम जरूर पिछड़ी हुई है, लेकिन अगर हम पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं और 1 मैच में साउथ अफ्रीका की टीम की जीत हुई है। तो दोस्तों आज पारल में एकदम मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है, जहां पर थोड़े बहुत घने बादल आप सभी को मैदान पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन दोपहर के वक्त से ही मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, जहां पर आप सभी को ये रोमांचक मुकाबला दिखाई देने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये के साथ मुकाबले खेले हैं, जबकि मेजबान के साथ पहली बार इस वेन्यू पर वनडे मैच खेलने भारतीय टीम जा रही है। तो दोस्तों इस मैदान के पिछले रिकॉर्ड पर अगर हम नजर डालते हैं तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बोलेंड पार्क में पहली बार वनडे मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका की टीम को किसी भी हाल में हराने के इरादे से मैदान पर उतरी। तो वहीं दोस्तों आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आज भारत की कमान कप्तान केएल राहुल संभालेंगे। तो वहीं दोस्तों विराट कोहली की अगर बात की जाए तो विराट कोहली इस मुकाबले में आप सभी को बतौर एक प्लेयर खेलते हुए दिखाई देने वाले। ऐसे में उनकी वनडे कप्तानी जाने के बाद विराट भी कहा था कि इस दौरे पर अब तक क्रिकेट काफी रोमांचक रहा है, हम उसी तरह के जुनून और उत्साह के साथ वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं। कप्तान ने ये भी संकेत दिए कि युवा ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को पहले मुकाबले में मौका दिया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय प्लेइंग 11 टीम के बारे में तो दोस्तों जो भारत की प्लेइंग 11 टीम आप सभी को मैदान पर उतरती हुई दिखाई देगी उसमें काफी बड़े बड़े बदलाव आप सभी को होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में आरएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।